वह लड़ाई कर रहा है, इसे आप इंग्लिश में कहते हो ही इज फाइटिंग। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में फाइट कहने के कुछ नए तरीके। क्वारल क्वारल, आर्ग्यू आर्ग्यू, बीकर बीकर, हैव अ फाइट हैव अ फाइट, स्क्वबल स्क्वबल। इन सभी इंग्लिश वर्ड का यूज आप फाइट कहने की जगह कर सकते हैं। आइए सीखते हैं इंग्लिश के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। अ ड्रॉप ऑफ द ओशन, अ ड्रॉप ऑफ द ओशन, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी अच्छा वही है जो अच्छा काम करता हो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स जो इंग्लिश के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए सीखते हैं इंग्लिश में आई डोंट नो वॉट टू प्लस वर्ब का यूज। मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, आई डोंट नो वॉट टू डू नेक्स्ट, आई डोंट नो वॉट टू डू नेक्स्ट। मुझे नहीं पता क्या कहना है, आई डोंट नो वॉट टू से, आई डोंट नो वॉट टू से। मुझे नहीं पता आज क्या खाना है, आई डोंट नो वॉट टू ईट टूडे, आई डोंट नो वॉट टू ईट टूडे। इस तरह से सेंटेंसेस जिसमें मुझे नहीं पता आया रहता है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में आई डोंट नो वॉट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। जब आपको कहना होता है मैं समझ गया, तो आप इंग्लिश में कहते हो आई अंडरस्टैंड या आई अंडरस्टूड। तो आइए सीखते हैं इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहने के कुछ नए तरीके। गॉट इट फेयर इनफ दैट्स क्लियर थैंक यू आई नो व्हाट यू मीन, आई नो व्हाट यू मीन, ऑफ कोर्स ओके गॉट इट ऑल राइट श्योर। जब आपको कहना होता है तुम बहुत सुंदर हो, तो आप इंग्लिश में कहते हो यू आर ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो आइए सीखते हैं ब्यूटीफुल कहने के कुछ नए तरीके। अडोरेबल अडोरेबल, यानी बहुत प्यारी। प्रीटी प्रीटी, यानी बहुत सुंदर। गॉर्जियस गॉर्जियस, यानी शानदार। स्टनिंग स्टनिंग, यानी तेजस्वी। रेडियंट रेडियंट, यानी उज्ज्वल। अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, यानी आकर्षक। चार्मिंग चार्मिंग, यानी बहुत सुंदर। इस तरह से सभी इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ आप यू आर ब्यूटीफुल कहने की जगह कर सकते हैं। आइए सीखते हैं सम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। मुझे कार चलाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। वह बहुत बातूनी है, शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज वेरी टॉकेटिव। मुझे नहीं पता यह केक किसने बनाया है, आई डोंट नो हु मेड दिस केक, आई डोंट नो हु मेड दिस केक। आइए सीखते हैं इंग्लिश में ईट का यूज। इट का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे 3 बजे हैं, इस इंग्लिश में कहेंगे 3 o'clock, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा बिकॉज इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर इट का यूज करेंगे, इसलिए सेंटेंस होगा इट इज 3 o'clock, इट इज 3 o'clock। वह 3 जनवरी था, इस इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज 3rd of January, इट वॉज 3rd of January। वह अंधेरी रात था, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज अ डार्क नाइट, इट वॉज अ डार्क नाइट। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। आइए सीखते हैं इंग्लिश में आई हैव टू का यूज। आई हैव टू का यूज तब करते हैं जब कोई काम करना बहुत जरूरी होता है, जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे खाना है आई हैव टू ईट, मुझे खेलना है आई हैव टू प्ले, मुझे काम करना है आई हैव टू वर्क, मुझे तुमसे बात करना है आई हैव टू टॉक विथ यू, आई हैव टू टॉक विथ यू। मुझे बाथरूम जाना है आई हैव टू गो टू बाथरूम, आई हैव टू गो टू बाथरूम। आइए सीखते हैं इंग्लिश में आई एम गेटिंग का यूज। मेरी हालत बेहतर हो रही है, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर। मुझे सर्दी हो रही है, आई एम गेटिंग कोल्ड, आई एम गेटिंग कोल्ड। मैं एक नया कार ले रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ न्यू कार, आई एम गेटिंग अ न्यू कार। मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड। इस तरह से आप इंग्लिश में आई एम गेटिंग का यूज़ कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं और अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। आइए सीखते हैं सम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तुम बात के पक्के हो, इस इंग्लिश में कहेंगे यू आर द मैन ऑफ वर्ड, यू आर द मैन ऑफ वर्ड। समय के पाबंद रहो, इस इंग्लिश में कहेंगे बी पंक्चुअल, बी पंक। का नाम चारों ओर फैल रहा है, हिज रेपुटेशन इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड, हिज रेपुटेशन इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड। आइए सीखते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन एंटोनिम्स। पहला है हार्ड, हार्ड का हिंदी मतलब होता है मजबूत। हार्ड का एंटोनिम होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट का हिंदी मतलब होता है नरम। अगला इंग्लिश वर्ड है ह्यूज, ह्यूज का हिंदी मतलब होता है बहुत बड़ा। ह्यूज का एंटोनिम होता है टाइनी, टाइनी का हिंदी मतलब बहुत छोटा होता है। अगला वर्ड है इंक्लूड, इंक्लूड का हिंदी मतलब होता है शामिल करना।
इंक्लूड का एंटोनिम होता है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का हिंदी मतलब छोड़ना होता है। अगला इंग्लिश वर्ड है इनोसेंट, इनोसेंट का हिंदी मतलब होता है बेकसूर, इनोसेंट का एंटोनिम होता है गिल्टी, गिल्टी का हिंदी मतलब दोषी होता है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।